गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने द फाइट के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था और इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक लड़का है रणजी जो कि डेजर्ट पार्ट से आया है यहाँ अपनी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने के लिए और उसको अचानक एक पूल मिल जाता है जो कि डेजर्ट के सॉरी फॉरेस्ट के बीच में। पहले दिन तो वो उस पूल में मज़े करता है, दूसरे दिन जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसको एक लड़का मिल जाता है जो बताता है कि वो पूल उसका है। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को मारपीट शुरू होती है। मारने के बाद एक दूसरे को जो जितना मार सकता था बिल्कुल थक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज तो फैसला नहीं हो पाया, कल आके देखते हैं कि फैसला क्या होगा, फाइनली हम इस पूल का डिसीजन कर लेंगे लड़ाई झगड़े से, प्यार से नहीं करेंगे, मारपीट के जो जीत जाएगा पूल उसका। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. अब रंजी जब घर पहुँचता है तो पूरे चेहरे पे ये जो कट्स एंड छिलने के जो निशान बने हुए थे, पैरों में, हाथों में, हर जगह बने हुए थे, इसको छिपाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। या ये बताए, घर वाले पूछेंगे कि ये कैसे चोट लगी, वो क्या बताएगा। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusual violent fight. And his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. और ये बात छिपाना बड़ा मुश्किल था कि वो अपनी माँ से छिपा ले कि ये सब चोटें कैसे लगी है, क्योंकि कोई भी देख के बता देगा कि ये कहीं झगड़ा करके आया है, क्योंकि नाखून के निशान हैं, रगड़ने के निशान हैं, तो निश्चित तौर से ये कहीं मारपीट करके आया। और मम्मी अब पूरे दिन के लिए उसको घर में बंद कर देगी। दैट इज द इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। हालांकि शाम में वो किसी प्रकार से बाहर निकला और बाजार पहुंचता है और वहां उसको जाकर के थोड़ा शांति का अनुभव हुआ, कम्फर्ट एंड सोलेस। सोलेस मीन्स क्या होता है, एकांत। वहाँ पे उसको शांति, कंफर्ट और एकांत का महसूस होता है। वहाँ जाके उसको अलग अलग कलर के लेमोनेड मिलते हैं और एक बनाना लीफ पे भरकर स्वीट जलेबीज वो लेकर के बैठ जाता है। जलेबी आप लोग जानते होंगे, लेमोनेड क्या चीज़ है। आप लोग ने भी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब आप गर्मी छुट्टियों में अपने अपने घर जाते हैं तो वो रंग बिरंगे शरबत लेकर के आपके मोहल्ले में बेचने के लिए आते होंगे, जो बर्फ़ के गोले को घिस करके उसमें रंग बिरंगे शरबत डालते हैं खट्टे मीठे से, डेट इज़ कॉल्ड लेमोनेड। तो वहाँ पे जाकर के वो विविडली मीन्स अलग अलग कलर के लेमोनेड और बनाना लीफ पे वो जलेबीज वगैरह लेकर के अब उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमोनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। अब उसने अपना लेमोनेड ख़त्म ही किया था कि तभी उसको दिखाई दिया उसका जो प्रतिद्वंदी था, वो सामने से रोड से आया था। प्रतिद्वंदी कौन, वो लड़का जिससे सुबह सुबह लड़ाई हुई थी। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल ऑन हिज एनिमी। पहली बार में तो उसके दिमाग में आया कि मुंह घुमा के दूसरी तरफ देखने लगूँ, तभी दूसरा विचार आया कि क्यों ना ये लेमोनेड की बॉटल जो है यही फेंक करके मैं अपने दुश्मन को मारूं। बट ही डिड नेदर ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। इसके विपरीत उसने क्या किया, वो ज़मीन पे चुपचाप खड़ा हो गया और घूर करके देखने लगा अपने दुश्मन को सामने से जाते हुए। एंड द वॉरियर सेड नथिंग इधर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। और इसके रिएक्शन में जो वॉरियर यानी वो जो लड़का था जिससे सुबह झगड़ा हुआ था, उसने भी कुछ किया नहीं, बस वो भी पलट कर उतने ही एंगर से उसको घूरने लगा और घूरता हुआ आगे बढ़ गया। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगला दिन जो था वो भी उतना ही गर्म था जैसे कि पिछला दिन। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। अब रंजी कल के झगड़े की वजह से, लड़ाई की वजह से बड़ा ही थका हुआ महसूस कर रहा था और किसी भी हिसाब से लड़ाई के मूड में नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर। उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई थी और जगह जगह कटे के निशान थे, क्योंकि पिछले दिन क्या हुआ था,
झगड़ा हुआ था, मारपीट हो गई थी, बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज। लेकिन अब क्या है, सामने वाले ने चैलेंज क्या दिया था, कल हम देख लेंगे, कल जो आएगा उसको फैसला करेंगे, तो उस चैलेंज को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। अब पूल ना पहुंचना एक प्रकार से अपनी हार स्वीकार कर लेना था। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, बट ही कुड नॉट एक्वेंसाइज इन हिज ओन डिफीट। He must defy his enemy at last or outwit him, for only then could he gain his respect. अब वो क्या कह रहा है कि वो जानता था कि अगर वो जाएगा तो आज वो फिर अगली लड़ाई में फिर उसको मार पड़ेगी, लेकिन वो अपने आप में खुद से यूं ही नहीं हारना चाहता था। वो अपने दुश्मन को आखिरी मौके तक हराने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसको किसी भी प्रकार से, और इस प्रकार से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर पाएगा, अपनी ही नज़रों में गिरने से बच जाएगा। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बीन बीटन फॉर ऑल टाइम। लेकिन आज अगर वो नहीं पहुंचता है तो वो अपने आप को एक तरह से समर्पण कर दे रहा है कि हाँ मैं सरेंडर करता हूँ, मैं इस पुल पे दावा नहीं दूंगा, और हमेशा के लिए वो जैसे मार खाने के बराबर हो गया। But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. लेकिन आज अगर वो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, एक बार मार होती है, तो उस लड़ाई के बाद भले ही आज मार पड़े, पर अगले दिन के लिए फिर से एक बार एक मौका और रहेगा। As long as he fought, he had the right to the pool in the forest. और जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी तब तक उस पूल पे इसका बराबर का अधिकार बना रहेगा। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on the rock on the other side of the pool. अब मन में एक पर तो ये भी ख्याल आ रहा था कि शायद उसका जो सामने opponent है, वो warrior जो अपने आप को बता रहा था, वो इस challenge के बारे में भूल गया होगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसकी सारी उम्मीदें टुकड़े टुकड़े हो जाती, क्योंकि वो देखता है क्या, उसका जो ओपोनेंट है वो वहाँ पे एक पूल के उस साइड पत्थर पे बनियान पहने हुए बैठा हुआ था। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, ही सॉ रंजी बेनेट द साल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल। और उसने देखा जो वॉरियर है अपने बदन पे तेल मालिश कर रहा है, और उसने रंजी को देखा कि वो साल्ट ट्रीज के नीचे, तो उसने उसको वहीं से चिल्ला के आवाज़ लगाई, आ जाओ पानी में ही लड़ाई हो जाए। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही shouted. वो कहता है इधर आओ और अब लड़ाई हो जाए। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाई हिज ओपोनेंट। लेकिन रंजी भी हार मानने वाला नहीं था, उसके विरोधी ने जो उसको कंडीशंस दी वो उससे हार मानने वाला नहीं। कम दिस साइड एंड फाइट, ही shouted back with equal vigor. इधर रंजी भी उतनी ही इक्वली गुस्से से, उतनी ही तेजी से वो भी shout back किया कि नहीं तुम इधर साइड आ जाओ। सिम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, कॉल्ड द अदर। दूसरा कहता है कि तैर करके इधर आ जाओ और मुझसे लड़ाई करो, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। अब वो उसको क्या कर रहा है, उकसा रहा है और बोलता है शायद लगता है तुम्हें तैरना ही नहीं आता, तुम इस पूल को तैर के पार नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग एंड हेयर वुड ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी। अब जैसे ही वॉरियर ने कहा कि लगता है तुम तैर ही नहीं पाओगी, यहाँ पे रंजी जो है वो एक अच्छा स्विमर था, और इस पूल की लेंथ को वो एक दो बार नहीं दर्जनों बार इस पार से उस पार कर सकता था बिना थके हुए, और अभी ये मौका आ चुका था वो तैर कर उस पार जाकर के अपनी सुपेरिटी दिखा सकता था। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव स्ट्रेट इन टू द वाटर, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश। The warrior's mouth hung open in amazement. अब रंजी ने क्या किया, अपनी बनियान उतारी और डाइव कर दिया पानी में, और बड़ी ही परफेक्ट डाइव उसने लगाई, बिल्कुल जैसे पानी में एक चाकू को आप डालिए तो बिना स्प्लैश के चाकू चुपचाप अंदर चला जाएगा, ऐसे ही वो बिल्कुल आराम से अंदर चला गया और बिना पानी को बहुत ज़्यादा हलचल मचाए हुए वो वापस से नीचे से वापस आ गया।
और ये देख करके जो उसका ओपोनेंट था उसका मुंह खुला का खुला रह गया अमेजमेंट में, आश्चर्य में। यू कैन डाइव ही एक्सप्लेन ही एक्सक्लेम, वो आश्चर्यचकित होकर बोलता तुम डाइव कर सकते हो। इट इज ईजी सेड रणजी थ्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। अब रणजी कहता है हाँ ये तो बहुत आसान है, और पानी काटते हुए आगे की ओर निकलता है और पूछता तुम नहीं डाइव कर सकते क्या। नो सेड द अदर, बोलता है नहीं नहीं मैं डाइव तो नहीं कर सकता, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, तो कहता है नहीं मैं सीधा कूद जाता हूँ। तो बोला कि मैं लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि कैसे डाइव लेते हैं। इट इज़ ईजी सेड रणजी, रणजी बोले बहुत आसान है, स्टैंड ऑन अ रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिसप्लेस योर फीट, बड़ा आसान है, खड़े हो जाओ पत्थर के ऊपर, अपने हाथ ऊपर करो और अपने सिर को अपने पैर की जगह दे दो, यानी जिस प्रकार से पैर नीचे करके आप कूदते हो सर नीचे करके आप कूद जाओ। द बॉडी स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, ही लैंडेड ओवर हिज बेली विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे जो वॉरियर है वो भी वैसे ही करने की कोशिश करता है और कूद पड़ता है, लेकिन जैसे ही कूदता है वो ठीक से नहीं कूद पाता और बिल्कुल पेट के बल जाकर के पानी में गिरता है, जो उसे छपा की आवाज़ आती है और इतनी जोर आवाज़ आती है कि आसपास के जो बर्ड्स हैं वो उड़ जाते हैं। रणजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, अब रणजी हंस पड़ता है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हेल। अब उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो रणजी उससे कहता है कि क्या पूल खाली करने की सोच रहे हो क्या, कि सारा पानी पूल के बाहर फेंक दो। वॉजेंट इट गुड, आस्क्ड द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। अब वो जो लड़का था अपने आप में उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ पहली बार मैंने ऐसा किया, और बोला क्या अच्छा नहीं था। नॉट वेरी गुड सेड रणजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। नहीं बहुत अच्छा तो नहीं था, तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। And pulled himself up on the rock, he executed another perfect dive. एक बार फिर से वो खड़ा होता है और बिल्कुल परफेक्टली एक बार और वो डाइव करता है। The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon him from behind. अब वो जब नीचे पानी में डाइव लगाता है तो दूसरा बॉय जो था वो इंतजार करता है कि वो पानी से निकलेगा, लेकिन वो पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए वो उसके पीछे जा पहुंचता है और पीछे से निकलता है। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। अब वो ओपोनेंट जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता, तुम डाइव भी कर लेते हो पानी के अंदर, ये कैसे किया तुमने। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क रणजी, रणजी बोला पानी के अंदर नहीं तैर पाते क्या। नो बट आई विल ट्राई, बोला नहीं लेकिन मैं कोशिश करूँगा। The warrior made a tremendous efforts to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down to his bottom, like a duck's remain above the surface. जो opposite में warrior था उसने पूरी कोशिश की कि वो उस bottom के pool में जाए, लेकिन जैसे ducks होते हैं वो कितनी भी कोशिश करे उनका सर तो पानी के नीचे चला जाता है पर पूरी बॉडी ऊपर रहती है, ये भी कोशिश करा पर नीचे नहीं जा पा रहा है। रणजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रणजी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब बुरा नहीं था लेकिन तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी, वो पूछता तुम मुझे सिखाओगे क्या। अब जो दुश्मन था कौन, जो वॉरियर उसका दुश्मन था, वो उसे पूछता क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, बोला हाँ हाँ अगर तुम चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ। You must teach me. If you do not teach me, I will beat you. Will you come here every day and teach me? अब मजाक के स्वर में वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, क्या तुम रोज़ यहाँ आके मुझे सिखाओगे। If you like, said Ranji. Ranji कहता हाँ अगर तुम चाहो तो। They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. अब ये दोनों बाहर निकलते हैं और एक भूरे से पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं दोनों बगल बगल। माय नेम इज सूरज, अब वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कौन, जो अपने आप को वॉरियर बता रहा था ये अपना नाम बताता है, मेरा नाम सूरज है, व्हाट इज योर्स।
इट इज़ रंजी, ये अपना नाम बताता है, मेरा नाम रंजी है, आई एम स्ट्रांग, एम आई नॉट? अब वो कहता है मैं पहलवान हूँ, मजबूत हूँ, है ना? आ सूरज बिहाइंड बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश. उसके बाद उसने अपना हाथ मोड़ करके अपने बाइसेप्स दिखाए, बोला देखो है ना, वो मसल्स का एक गोला सा फूल कर बाहर निकल जाता है. यू आर स्ट्रांग सेड रंजी, यू आर अ रियल पहलवान. बोला हाँ हाँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल पहलवान की तरह हो. वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेस्लर सेड सूरज. सूरज कहता है स्लैपिंग हिज थाइज विद शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड. अब वो अपने जांग के ऊपर एक थपकी दे करके बोलता है एक दिन मैं वर्ल्ड चैम्पियन रेस्लर बनूंगा. और उसने जो पैरों में थपकिया दी तो उसके पैर जो है हिलने लगे, यानी काफ़ी वो मांसल शरीर है उसका. ही लुक क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी. अब वो उसकी तरफ देखता है, रंजी बिल्कुल पतला दुबला सुकड़ा सा आइटम. यू आर क्वाइट स्ट्रांग योर सेल्फ ही कंसीडेड, बट यू आर टू बोनी. आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी. तो कहता हाँ तुम बहुत मजबूत हो, वो कहता है लेकिन तुम बहुत बिल्कुल दुबले पतलो, हड्डी हड्डी दिख रही है तुम्हारी, तुम लोग जो खाना ही नहीं खाते हो, कम खाना खाते हो, तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ खाना खाया करो. आई ड्रिंक वन शीर ऑफ मिल्क एवरी डे. ये शीर क्या है बेटा? ये एक्चुअली शेर है. जो लोग आपके गांव से बिलोंग करते होंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स, वो जानते होंगे शेर पसेरी, ये चीज़ों का नाम आपने सुना होगा. 5 किलो को पसेरी कहते हैं और 1 शेर यानी 1 किलो को कहते हैं. तो वो यहाँ पे कहता है आई ड्रिंक 1 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं 1 शेर जो है हर रोज़ दूध पीता हूँ, यानी लगभग 1 किलो. वी हैव गॉट आर ओन काउ, हमारे पास अपनी गाय है. बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी. बोला मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें मेरे जैसा पहलवान बना दूंगा. आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान. तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डाइव और स्विम करना सिखाओगे और मैं तुम्हें पहलवान बनना सिखाऊंगा. दैट इज़ फेयर इजंट इट, ये डील हमारा ठीक है ना? दैट इज़ फेयर सेड रंजी. रंजी कहता ठीक है. दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज. और दूसरी तरफ रंजी ये भी सोच रहा है कि ये उससे कहीं अच्छी डील है. सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ. यस, अब वो उसके गले में हाथ डाल के कहता है कि अब हम लोग दोस्त हैं, है ना? दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आई एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वे बॉन. अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ एक सच्ची भावना से, आंखों में बिना किसी क्रोध के, बिना किसी छल कपट के एक दूसरे को देखते हैं और उसी पर दोनों के बीच प्यार और अंडरस्टैंडिंग उमड़ पड़ता है. वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी. रंजी ने कहा हाँ हम लोग दोस्त हैं आज से. द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन द ब्रांचेज एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ साल्ट ट्रीज. और अब इन बातों बातों में इस दौरान जो चिड़िया उड़ गई थी इधर उधर, वो अपने शाखाओं पे वापस लौट आई है और पूल जो है एक बार फिर से शांत हो गया है और धीरे धीरे हिल रहा है शाल ट्रीज की छाया में. इट इज़ आवर पूल सेड सूरज, नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन. ओवर देयर, अब सूरज कहता है कि ये हमारा पूल है, यानी हम दोनों का पूल है और हमारे इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता. आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी? हु वुड डेयर, सेड रंजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वोन द डे. और रंजी भी मुस्कुराते हुए कहता हाँ किसकी हिम्मत. और मन ही मन उसने इस बात को मान लिया कि आज की लड़ाई उसने जीत ली है. ये कहानी लिखी हुई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा. तो आज इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ. इन क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक काम और दे रहा हूँ, ये जो हमारे राइटर है रस्किन बॉन्ड, इनके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा. ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने किस प्रकार के क्रिएशंस किए हैं, ठीक है? इन चीज़ों को आप ढूंढ कर अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग. हैव अ नाइस डे.